की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भारत माता की जय। महात्मा गांधी जय। महात्मा गांधी हमारे। महात्मा गांधी हमारे। भगत सिंह हमारे। तकदराज हमारे। महात्मा गांधी हमारे। चंद्र बोस हमारे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। 15 अगस्त जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तू मेरा धर्म तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू हर कर्म अपना करेंगे ऐ कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे ठीक है जा रहे हैं।
दवा क्या खाता दवा है चलो गाना गा रही हो आपको साथ बता रही है हमारे विचार है संतोष भैया अब हमारे दिल में है वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है को फांसी दिया जा रहा था ठीक है वो सब लोग पहुंचे खासकर उनकी माँ भी आई थी ठीक है उनकी माँ रोने लगी तो भगत सिंह अपनी माँ को रोता हुआ देख क्या बोलते हैं जरा ध्यान से सुनिए माँ तू न रो माँ तू है भगत सिंह की माँ मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं घोड़ी चढ़ के तो दुल्हन लाते हैं सभी हर कोई हंस के फांसी चढ़ेगा नहीं अगला जब भगत सिंह को सताया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा ठीक है तो भगत सिंह ने मरने से पहले उन अंग्रेजों को जताते हुए बताया भगत सिंह को बार बार बोला गया कि तुम झुक जाओ मान लो कि हम गुनहगार है वगैरह वगैरह ठीक है लेकिन वो माना नहीं उसने क्या बोला जरा ये सुनिए वह भगत सिंह बोला कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी बहाकर बेगुनाहों का खून इतराना आता है तुझ जैसे कामचोर तुझ जैसे देशद्रोह को कौन समझाए कि वो सर कभी झुक ही नहीं सकता जिसे सिर्फ और सिर्फ कट जाना आता है नेक्स्ट जब भगत सिंह छोटे बच्चे थे ठीक है तो उनके मम्मी पापा खासकर पापा खेत में अनाज रोपते थे ठीक है तो वो भगत सिंह देखता था पापा से पूछा पापा आप ये क्या कर रहे हैं भगत सिंह बोला उनके पापा बोले कि बेटा ये अनाज रोप रहे हूँ आज रोपूंगा कल बहुत सारा होगा तो जब भगत सिंह ये बात उसके दिमाग में बैठ गया कि भगत सिंह की कुछ रोपेंगे तो बो देंगे तो वह क्या किया कुछ दिन बाद वह देखा क्या कि छोटे खिलौने वाले बंदूक को जाकर रोप रहा है तो जब उसके पिता ने कहा कि अरे भगत तुम ये क्या कर रहे हो ये बंदूक क्यों रोप रहे हो तो भगत सिंह का जवाब सुनिए क्या बोलता है पिताजी मैं ये बंदूक रोप रहा हूँ इससे इतनी बंदूकें निकलेगी अंग्रेज थक जाएंगे जितनी गोलियां चलेंगी सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे दो बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा से जिंदा मेरा मैं तेरा परिंदा आ चल तेरा रहमान रंग बिरंगा आसमां से वो तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो
नाम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तूने ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। कोई धन है क्या तेरी धूल से लड़के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग मेरा मैं तेरा परिंदा। जय हिंद जय भारत। हेलो बच्चों साहब, अठहत्तरवे गणतंत्र दिवस के ढेर सारी शुभकामना, और हमारे जितने भी एकेडमी के संचालक सपोर्टर और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो आए हुए हैं अभी इस शुभ अवसर पर, हमें उम्मीद है जिस तरह का देश हमारा अच्छा लेवल पे जा रहा है और देश में अपना स्थान बनाते जा रहा है, उसी तरह हमारे भी लड़के अपने बिहार में और अपने बॉर्डर पे अच्छे लेवल में खड़े हैं। तो हम शुभकामना इसी से करेंगे कि आगे वाले जितने भी वैकेंसी हो या जो भी हो, तैयारी करने वाले लड़के को एक जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और जिस तरह से तिरंगा लहराया जा रहा है उस तरह में बॉडी में भी आपका लहर होना चाहिए, जिससे कि आपका माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद।